नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण शर्मा एक बार फिर आपसे मुखातिब हूँ ये बात करने के लिए कि बेहतर निवेशक कैसे बना जाए। याद रखिएगा इस बात को, बेहद बहुत ज़रूरी है समझना कि एक अच्छा और कामयाब निवेशक बनने की जिम्मेदारी आपकी है। आइए हम सबसे पहले एक बहुत ज़रूरी बात करें और वो ये है कि मैंने ये अनुभव किया है कि बहुत से लोग ये नहीं समझते हैं कि बचत और निवेश में फ़र्क क्या है। इसके लिए हमारे माता पिता ज़िम्मेदार है, हमारा समाज जिम्मेदार है। उसने हमें कभी सिखाया नहीं कि निवेश और बचत में फ़र्क क्यों होता है। पर वो क्यों नहीं सिखा पाए इस बात को, क्योंकि उनके ज़माने में एक चीज़ नहीं हुआ करती थी दोस्तों, जिसे हम कहते हैं महंगाई। इस महंगाई ने ही निवेश और बचत में फ़र्क पैदा किया है। आइए हम थोड़ा इसको समझने की कोशिश करें। जिसको ये बात समझ में आ गई वो एक बेहतर निवेशक बनने की पहली सीढ़ी को पार कर गया। दोस्तों, हम बचत क्यों करते हैं? बचत करना एक पार्श्विक प्रवृत्ति है, मतलब ये है कि जानवर भी करता है और कर सकता है। बहुत सी बचपन में आपने कहानियाँ सुनी होगी कि शरद ऋतु के आने से पहले जानवर अपने खाने पीने की चीज़ें संजो के रखते हैं, बचा के रखते हैं। तो हम बचत क्यों करते हैं? क्योंकि हमें भय है इस बात का कि हम नहीं जानते भविष्य में क्या होगा। और दूसरा कारण बचत करने का ये है कि हमें मानसिक शांति देता है कि अब मैंने बचत कर ली है, अगर संकट भी आया तो मैं उसको पार कर सकता हूँ। निवेश किसे कहते हैं? निवेश एक आधुनिक ज़माने की बात है जो कुछ समय पहले नहीं थी दुनिया के अंदर। निवेश का मतलब होता है फाइनेंशियल फ्रीडम, स्वतंत्रता, आज़ादी, इस बात की कि आपको जीवन के अंदर कभी परेशानी नहीं आएगी। और निवेश आपकी बचत को इस्तेमाल करके कुछ इस तरह से काम करता है कि आपको पैसों के लिए काम नहीं करना होता है। गौर कीजिए, आसपास देखिए, हम लोग पैसों के लिए काम करते हैं, हम कमाना चाहते हैं, तभी तो हम जीते हैं। क्या उम्र भर हम कमाएंगे? कोई तो ऐसा वक्त आए जो हमने पैसा कमाया है वो हमारे लिए काम करें। निवेश इसी को कहते हैं, मनी वर्क्स फॉर यू, यू डोंट वर्क फॉर द मनी। तो ये फ़र्क एक आम व्यक्ति को समझ में क्यों नहीं आता है? आइए इसको समझने की हम थोड़ी सी कोशिश करें। और इसको समझने के लिए बचत और निवेश का जो फ़र्क है वो कहाँ से हमें समझ में आता है? हमें समझ में आता है मनी। मनी क्या है? रुपया क्या है? मनी, रुपया, डॉलर, पौंड, आप किसी को भी करेंसी, इसको आप मनी कहते हैं। कोई भी एक ऐसी वस्तु जिसमें तीन गुण हो, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, वो आपका सौदा करा सके, यूनिट ऑफ वैल्यू, वो आपके वैल्यू की इकाई को परिभाषित कर सके, और वो आपको एक युग से दूसरे युग में, एक समय से दूसरे समय में वैल्यू को, मूल्य को स्थानांतरित कर सके, स्टोर कर सके। जिसमें भी ये तीन गुण है वो मनी है। इस मनी ने ही निवेश को ज़रूरी बनाया है। कैसे? जब पहली मनी दुनिया में इस्तेमाल होना शुरू हुई, मुद्रा जिसको आप कहते हैं, वो जब दुनिया में इस्तेमाल होना शुरू हुई तो आपने सुना होगा कि वो सोने की बनती थी, वो चांदी की बनती थी। ऐसा क्यों? क्योंकि ये अमूल्य धातु होती थी और धातु का जितना मूल्य होता था उसी मूल्य का आपको वस्तुओं में सेवाएँ मिलती थी। तो दुनिया में दोस्तों महंगाई नहीं थी, क्योंकि सोने और चांदी की आपूर्ति बहुत कम हुआ करती थी। जैसे जैसे आर्थिक विकास होता था, लोगों की आमदनी बढ़ती थी, आमदनी जब मुद्रा में अदा की जाती थी तो आपको उतनी ही आमदनी अदा की जा सकती है जितनी की उस धातु की पूर्ति है। अगर धातु कम है तो आमदनी कम है, धातु ज़्यादा है तो आमदनी ज़्यादा है। आपने सुना होगा कि जब स्पेन और पुर्तगाल ने दुनिया पर राज किया, उसके बाद अंग्रेज़ों और फ्रांस ने दुनिया पर राज किया, तो दुनिया भर से उन्होंने सोना और चांदी को एकत्र करके यूरोप में वो लेके गए। और उसके बाद में पहली बार दुनिया के अंदर हमने महंगाई को समझा कि जब बहुत ज़्यादा धातु, बहुत ज़्यादा सोना और बहुत ज़्यादा चांदी यूरोप में आ गई तो वह महंगाई बढ़ी। तो महंगाई क्यों बढ़ती है? इकोनॉमिस्ट ही कहता है कि महंगाई तब बढ़ती है जब मुद्रा की आपूर्ति बढ़ती है। हायर दी सप्लाई ऑफ मनी, हायर दी इन्फ्लेशन। अब देखिए आगे समझते हैं। धीरे धीरे इंसान और आगे बढ़ा, आपसी व्यापार बढ़ने लगा, देश आपस में व्यापार करने लगे, एक दूसरे से मेलजोल बढ़ने लगा। लेकिन ऐसे ही एक वातावरण में पहला विश्वयुद्ध हुआ, उसके बाद बहुत जल्दी दूसरा विश्वयुद्ध हुआ। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद में बहुत ज़रूरत महसूस की गई कि सोने और चांदी के आधार पर व्यापार करना बहुत मुश्किल है। ब्रेटन वुड समझौते के अंदर दुनिया के तमाम देशों ने मिलकर करार किया, और वो ये था कि अमेरिका के डॉलर को इस्तेमाल किया जाए। और उस डॉलर के लिए अमेरिका ने आश्वासन दिया दुनिया के हर एक राष्ट्र को कि अगर आप हमें $35 देंगे तो $35 के सामने हम आपको एक औंस सोना देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके जेब में डॉलर है तो इसका मतलब ये है कि आपके जेब में सोना है। इसको बोलते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड, या इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव मनी। जब तक दुनिया में रिप्रेजेंटेटिव मनी रही, महंगाई शने शने बढ़ी। महंगाई तभी होती थी जब युद्ध होते थे, महंगाई तभी होती थी जब अकाल पड़ते थे। लेकिन एक घटना घटी दुनिया में दोस्तों, इस व्यवस्था का कुछ देशों ने लाभ उठाया,
मैं विस्तार में उस पर नहीं जाऊंगा, पर उस लाभ से परेशान हुए अमेरिका ने रिचर्ड निक्सन जो उनके राष्ट्रपति थे 15 अगस्त 1971 के अंदर ये व्यवस्था ख़त्म कर दी। उन्होंने कहा कि सोने को अब डॉलर में परिवर्तित नहीं किया जाएगा, पर डॉलर तो चलता रहा। डॉलर क्यों चलता रहा? क्योंकि अमेरिकी सरकार का वो लीगल टेंडर था कि जहाँ पर भी आप डॉलर देंगे आप कारोबार कर सकते हैं। इसको हमने बोलना शुरू किया फिएट करेंसी। फिएट करेंसी वो करेंसी होती है जिसका स्वयं का मूल्य नहीं होता है। देखिए, चांदी और सोने का स्वयं का मूल्य होता है। मेरे घर में जब बंटवारा हुआ था तो मैंने क्या अनुभव किया कि आज से 70 साल पहले, आज से 100 साल पहले के चांदी के सिक्कों का बंटवारा हुआ, वो 1 रुपया, उस पर भी 1 रुपया लिखा है, भारत का 1 रुपया, पर वो 1 रुपया आज 1000 रुपये से भी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इस रुपये की स्वयं की मूल्य है। लेकिन आज जो रुपया हम इस्तेमाल करते हैं उसका स्वयं का मूल्य नहीं है, वो फिएट करेंसी है। फिएट करेंसी का मूल्य तभी तक होता है जब तक सरकार उसके पीछे है। सरकार उसके पीछे से हट गई तो आपके 500 और 1000 रुपये के नोट अब नहीं चलते हैं नोटबंदी के बाद में। तो फिएट करेंसी में मुश्किल क्या है दोस्तों? फिएट करेंसी में मुश्किल ये है इस मुद्रा में कि कागज़ की होती है, सरकार के आदेशानुसार होती है, जितना मर्जी सरकार छाप सकती है। जब भी सरकार को मुद्रा छापने की ज़रूरत होती है आर्थिक विकास और मांग की वजह से इस मुद्रा की आपूर्ति बढ़ाई जाती है, और हमने क्या समझा था कि मुद्रा की आपूर्ति बढ़ती है तो उससे महंगाई बढ़ती है। ये महंगाई हमारे माता पिता, हमारे पूर्वजों ने कभी देखी नहीं, कभी समझी नहीं, इसलिए वो बचत और निवेश में फ़र्क नहीं कर पाए। दोस्तों, एक कामयाब निवेशक के लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप इस बात को समझें कि महंगाई आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। ये जो महंगाई है इसने बचत और निवेश के बीच में फ़र्क पैदा करना शुरू किया। मेरे दादा और मेरी दादी ने अगर चांदी के सिक्कों को बचाया तब भी उनकी दौलत बढ़ती रही, पर मेरे माता और पिता ने रुपये को बचाया, उनकी दौलत नहीं बढ़ी, दोनों ने ही रुपये को बचाया। फिर ये फ़र्क क्यों आया? क्योंकि फिएट करेंसी महंगाई लेके आई। कैसे महंगाई लेके आती है, आइए हम समझने का प्रयास करते हैं। जो बात मैं आपसे करने जा रहा हूं दोस्तों, इसको इल्यूजन कहते हैं। तो थोड़ा बहुत समझ के ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, क्योंकि अगर आप केंद्रित होकर स्थित प्रज्ञ होकर बात को नहीं सुनेंगे तो समझ में नहीं आएगी। मैं आपको 2 विकल्प देता हूं। पहला विकल्प ये है कि मैं आपको 2000 रुपये देता हूं। दूसरा विकल्प ये है कि मैं आपको 100 रुपया देता हूं। दोनों में से क्या लेना पसंद करेंगे? चुनाव आपका है। 2000 का नोट लेंगे। क्यों? क्योंकि 2000 का नोट मूल्य में 1000 से ज़्यादा होता है। बहुत बेहतर, हर कोई ये बात कह सकता है। अब थोड़ा कल्पना कीजिएगा, हॉलीवुड की मूवीज़ में आपने देखा होगा कि हमारे पास एक टाइम मशीन है। टाइम मशीन के ज़रिए मैं आपको सशरीर भूतकाल में ले जा सकता हूँ, भविष्यकाल में ले जा सकता हूँ। उस टाइम मशीन का मैं इस्तेमाल करता हूँ और मैं आपसे कहता हूँ कि ये 100 रुपये का नोट मैं आपको सन 2000 में दूंगा, लेकिन 2000 का नोट आपको सन 2018 में मिलेगा। दोस्तों बताइए, क्या लेना पसंद करेंगे? आपने देखा, आपके विचार बदल गए। क्यों? क्योंकि आज से 18 साल पहले के 100 रुपये के मूल्य, आज से 18 साल पहले 100 रुपये की क्रय शक्ति आज के 2000 रुपये से ज्यादा थी। कितनी साधारण सी बात है, लेकिन इस रुपये को हम धन कहते हैं। मेरी माँ मुझे कहती थी, बेटा बड़ा होकर पढ़ाई लिखाई कर, खूब रुपया कमाना। गलत कहती थी। मेरी माँ नहीं समझी कि रुपया कमजोर होता है, वक्त के साथ ताकत को खोता है। और मेरी माँ सोने को भी धन कहती थी, रुपये को भी बचा के रखती थी और सोने को भी बचा के रखती थी, दोनों से लगाव रखती थी। आइए सोने को समझते हैं, जो धन का दूसरा रूप है। मैं आपको 2 विकल्प देता हूँ, ठीक इसी तरह से। 1 50 ग्राम सोने का सिक्का, 100 ग्राम सोने का सिक्का, दोनों में से आप एक ले सकते हैं। क्या लेना पसंद करेंगे? 100 ग्राम का सिक्का। क्यों? क्योंकि 100 ग्राम का सिक्के का मूल्य 50 ग्राम से ज़्यादा होता है। दोस्तों कल्पना करें, वही टाइम मशीन दोबारा लेके आता हूँ, उस टाइम मशीन के ज़रिए मैं आपको भूतकाल में लेके जाता हूँ और 50 ग्राम सोने का सिक्का सन 2000 में देता हूँ, 100 ग्राम के सोने का सिक्का सन 2018 में देता हूँ। थोड़ा सोचिएगा, मनन कीजिए और बताइए आप दोनों में से कौन सा लेना पसंद करेंगे, 50 ग्राम का सिक्का जो आपको सन 2000 में दिया जाए, या 100 ग्राम का सिक्का सो आपको सन 2018 में दिया जाए। क्या लेना पसंद करेंगे? 100 ग्राम। इस बार आपका विचार नहीं बदला। याद है पिछली बार आपने क्या किया था? आपने 2000 रुपये को छोड़ के 100 रुपया लिया था, क्योंकि आज से 18 साल पहले के 100 रुपये की क्रय शक्ति आज के 2000 रुपये से ज़्यादा थी। पर सोने में क्या हुआ? आज भी 100 ग्राम के सोने का मूल्य 50 ग्राम के सोने के मूल्य से ज़्यादा है। 1000 साल पहले आदिकाल में भी था और 1000 साल बाद
भविष्य काल में भी 100 ग्राम का सिक्का सदैव 50 ग्राम के सिक्के से बड़ा रहेगा। क्या कारण है इसका? इसका कारण है कि सोना एसेट है, सोना निधि है, सोने के अंदर ताकत है कि जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता है उसका मूल्य बढ़ता है। पर रुपया निधि नहीं है दोस्तों, रुपया धन नहीं है, रुपया एसेट नहीं है। रुपए में किया गया निवेश जो आप डिपॉजिट करते हैं, एफडी करते हैं, वो धन नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा उसकी क्रय शक्ति, उसकी ताकत, उसका मूल्य कम होता चला जाएगा। तो जो लोग रुपया संग्रह करते हैं या करेंसी बेस्ड निवेश करते हैं वो क्रय शक्ति में बढ़ते नहीं हैं, वो धनी नहीं होते हैं। पर जो लोग एसेट्स जमा करते हैं, तीन प्रकार के एसेट्स बहुत ही लोकप्रिय हैं, सोना, ज़मीन और इक्विटीज़। आपने देखा होगा कि दुनिया के सबसे धनी लोगों के धन की जब हम बात करते हैं तो यही तो बात करते हैं कि उसके पास इक्विटीज़ में निवेश कितना है, उसके पास सोना कितना है, उसके पास ज़मीन कितनी है। और तो और आधुनिक काल के अंदर हम सिर्फ ये देखते हैं कि उसके पास इक्विटीज़ कितनी है। अगर आप फोर्ब्स मैगजीन के 500 सबसे धनी लोगों को देखेंगे तो उन धनी लोगों के पास क्या है? केवल इक्विटीज़ हैं, ओनरशिप ऑफ बिजनेस। तो दोस्तों हमेशा याद रखिए, धन वो होता है जिसकी शक्ति समय के साथ बढ़ती है। हर वो चीज़ जिसकी शक्ति, क्रय शक्ति, मूल्य वक्त के साथ कम होती है उसमें कभी निवेश न करें, यह निवेश का जरिया नहीं है। बचत और निवेश में ये बड़ा फ़र्क है जो किताबें नहीं सिखाती, ज़िंदगी सिखाती है। समाज और हमारे माता पिता नहीं सिखा पाए क्योंकि उन्होंने इस महंगाई को नहीं देखा था। फिएट करेंसी, सप्लाई ऑफ मनी को हमेशा याद रखिएगा। ये निवेश की सबसे ज़रूरी ज्ञान है जिसके ऊपर हमको विचार करना होगा। मुझे उम्मीद है कि आप बेहतर निवेशक बनने के लिए कोशिश करेंगे कि एसेट्स में निवेश करें, अधिक से अधिक बचत करते हुए उसको निवेश में परिवर्तित करेंगे। दोस्तों यही आज की चर्चा का विषय था, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।